एवरीवन, और एक और नए वीडियो में, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनली इस बार का जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो आई है, NIRF जो रैंकिंग होता है वो रिलीज हो चुका है। जैसे मैंने आपको बोला था, ये 12 अगस्त को आपका रिलीज होगा, नोटिफिकेशन दिया था। तो मैं आज आपको बताता हूँ जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स के अंदर जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें किसका क्या रैंकिंग रहा, कौन कौन से 40 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको इसमें कंसिडर किया गया है, मतलब उनका रैंकिंग दिया गया है। तो चलो देखते हैं। उससे पहले देखो, ये पूरा एक रिपोर्ट जनरेट होकर आता है। अब इसमें किस बेसिस पे आपको इनको डिसाइड किया जाता है, इन कॉलेजेस को, वो मैं आपको बता दूँ। उससे पहले अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बने रहना, और एक मेरा चैनल और है टेलीग्राम चैनल स्टडी एथिक करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देखो, इसमें सबसे पहले आपको कंसिडर किया जाता है आपका, देखो, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज वहाँ कैसे हैं, देन उसके बाद में रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, ग्रेजुएशन का आउटकम कैसा है, ये सब कुछ देख के, देन उसमें एक्सक्लूसिवली जो भी है, ये सब जो, ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको कंसिडर करके आपका रैंकिंग बनता है इसका। देखो, पूरा रिपोर्ट निकल के आता है। इसमें ऐसा ही नहीं कि एग्रीकल्चर के लिए बाकी के सब डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, आपका जो फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, आपका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स जितने भी कॉलेजेस हैं सबका आता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ अपने एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस जिनको मिला है। अब देखो, ये देखो फाइनली ये जो आपका लिस्ट है ये आपको दिख रहा है उनका क्या स्कोर रहा इस बेसिस पे, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूँ, देखो, अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको ऐसे पुट नहीं कर देना इन चीजों को, कि आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं। देखो, आपको यूजी कहाँ से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, ये ओवरऑल इन्होंने अच्छा दिया हुआ है आपके लिए, जहां से भी यूज करो वो आपके लिए सुटेबल होना चाहिए जगह। रैंकिंग डजंट मैटर, क्योंकि आप बहुत लोग आपको बोलेंगे कि ये जो रैंक आया है उसी के अकॉर्डिंग फिल कर दो, ये ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको कहाँ लेना है उसके बाद में, कि लाइक कि आपको जैसे ये शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी है, यहाँ बहुत स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है, यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं इसको पुट करके, ठीक है ना। बट जान लो ये एटलीस्ट कि कौन कौन सा, मतलब क्या रैंकिंग है, जिससे आपको एक बार पता चल पाए। देखो, जो अभी फर्स्ट रैंक पे जो फॉल कर रही है वो कि IRI न्यू दिल्ली आपका, देखो, जिसका 87, आपका जो 87.98 जो स्कोर है इसका रैंक फर्स्ट। दूसरे पे आपका देखो NDRI करनाल, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑब्वियस है ये सब यूनिवर्सिटी अच्छा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखो, ये जो आपका ये इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका इज्जत नगर में, इसके अंदर आपका ओनली बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है जो आपका ICAR के अंडर में होता है। देन उसके बाद तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देखो ये यूनिवर्सिटी कुछ हद तक ठीक है, ठीक है ना। आप इसको टोटली अच्छा भी नहीं बोल सकते, टोटली बैड भी नहीं बोल सकते। उसके बाद देखो, क्योंकि मुझे जो लगता है कि अगर आपके लिए यूजी परस्यू कर रहे हो तो देखो इसी यूनिवर्सिटी से बेटर आपको मिलेगा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसके बाद देखो जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसे ठीक है, ओवरऑल इसका जो रैंकिंग इसने अप किया है, लेकिन जो इनमें अगर आप यूजी कर रहे हो तो इन यूनिवर्सिटीज को ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि आपके लिए कौन सा बेटर है वो आपको चूज करना है। ये बस एक NIRF रैंकिंग है जो कि डिसाइड करती है, ठीक है ना। बस मेरा काम था कि आपको उसको बता पाना, कि आपको पता रहे, अपडेट रहो इस चीज के लिए भी। देन उसके बाद देखो सेंट्रल जो आपका ये इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, तो देखो इसमें PG के कोर्सेज होते हैं। देन उसके बाद में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी, देन देखो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो आपके धारवाड़ के अंदर में है, ठीक है ना। ये तो आपसे इसको कोई मतलब नहीं। विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उड़ीसा, देखो आप जो इसी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम दिया, इससे अच्छा यूनिवर्सिटी इसके नीचे में दिया हुआ है जहाँ पे यूजी के लिए बेटर फैसिलिटीज है, ठीक है ना। देखो डॉक्टर YS परमार, जिसके इसका रैंकिंग क्या है, देखो इसका जो इसमें दे रहा हुआ 16 इसका रैंकिंग दिया हुआ है। देन आपको चौधरी जो आपका ये है इसको देखो 19 इसका रैंकिंग है। देखो ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका तो बहुत ज़्यादा फी है, इसका 22 इन्होंने रैंकिंग दिया हुआ है। तो देखो जरूरी नहीं कि आप प्राइवेट से करो, हमेशा आपको आपको अगर मिल रहा है आपको थोड़ा सा भी चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेजेस से करो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। प्राइवेट में इतना पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि आप 12-15 लाख रुपए इन चीजों के लिए वेस्ट कर रहे हो। देखो आचार्य एनजीरंगा ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है जो कि 26 रैंकिंग पे फॉल कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। और देखो आपका जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेज जो अभी 28 रैंकिंग पे, जो जिस यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट था, देखो ये आपका 29 पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 29 रैंक पे फॉल कर रहा है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि आप इसको 29 पे रखोगे, ये चीज़ तो आप भी जानते हो, ठीक है ना। और भी जैसे और भी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे देखो BR एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर वाला हुआ, हाँ यूजी के लिए कितना अच्छा है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि आप इसको पुट करोगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत कोई बोल देता है कि आपको रैंकिंग के जो दिया हुआ है उसे पुट कर दो, ऐसे पुट नहीं करना होता है, वरना आपके साथ फिर ब्लंडर हो जाएगा। आपको शेरे कश्मीर में आप पहुंच जाओगे तो फिर आपको वहाँ भी दिक्कत होगा, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट ईयर भी वहाँ के स्टूडेंट बोले भैया हम शिफ्ट कर सकते हैं, या उनको भी दिक्कत हुआ, कुछ स्टूडेंट वहाँ छोड़ भी दिए थे।
ठीक है ना। सो क्योंकि आपको रहना है, क्योंकि ऐसे एरिया में नहीं बोलूंगा कि वहाँ देखो डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लाइफ है। तो आप ऐसी जगह में ना जाए कि आपको वहाँ सर्वाइव करने में या आपको करने में प्रॉब्लम हो, आप वहाँ कंफर्ट फील ना कर पाओ, ठीक है ना। देन उसके बाद देखो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूजी के लिए बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, जो कि इसका कि इसमें 35 दे रखा है, ठीक है ना। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, देन IGKV, देन UBKV, तो ये सब आपकी 40 यूनिवर्सिटीज है जो कि NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो इनका भी आपको मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप आपको ये लिस्ट भी समझ आया होगा। आपका अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और देखो अगर आपको काउंसलिंग का आइडिया नहीं, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपके आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कि जहाँ यूजी बैठ, मुझे मतलब नहीं कि आप पीजी पीएचडी वहाँ से करो नहीं करो, यूजी जहाँ से भी आप करोगे वो अच्छा यूनिवर्सिटी हो बस, जो आपके लिए मतलब बेटर हो, तो वो मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर आपको पूरा प्रेफरेंस लिस्ट बना के प्रोवाइड करता हूँ, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी ओनली 599। इसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को तो जैसे CUSB के अंदर मिल गया, राजीव गांधी के अंदर मिल गया, मैंने इसमें CUET के लिए जो बताया था उसके अंदर बताया था कि आप उसके लिए अप्लाई करो आपको मिल जाएगा, और उनको पूरा लिंक प्रोवाइड करना और उनको बताया, ठीक है ना। तो उनको एग्रीकल्चर वहाँ मिला कम मार्क्स होने पर भी मिला, ठीक है ना। तो यही फर्क होता है कि आपको अगर गाइड आपको पता नहीं, आपके पास कोई गाइडेंस ही नहीं, तो आप इसलिए आप ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए आपको इसमें लास्ट तक गाइड भी किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें कॉल आप कॉल कर सकते हो, चैट करके आप पूछ सकते हो, पर्सनली 1-to-1 मेरे से आप जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो यहाँ पे QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। इसमें आप सभी टाइप का काउंसलिंग एक्सेस कर पाओगे, ICAR के काउंसलिंग, CUET काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। सो आपको कोई भी दिक्कत होगा नहीं। सो आई होप मेरा आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो। और भी आपको जब भी देखो, अभी रैंक कार्ड आया नहीं है, तो जब भी रैंक कार्ड आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, अभी आप वेट करो, ठीक है ना। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।